जय मसीह दी सारेनु। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। इफिसियो दी किताब और उदा 6 अध्याय और दी 1 और 2 आयत नू मैं पढ़ूंगा। है बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिससे ये प्रतिज्ञा भी है। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष दे और हाड़ ना गल करे और हाड़ी कमी घटिया नू परमेश्वर पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो वचन पढ़ा गया है इस पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी मैं भी बोल सकूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ हमारी प्रार्थना विनती को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों दी पत्री उदा 6 अध्याय और दा 1 तो लैके 4 तक अही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट ही, इस करके मैं उदी 1 और 2 आयत नू पढ़िया वा। तो ही 6 अध्याय और 1 तो लैके 4 तक पढ़ सकते जी। अही अज ध्यान करने वाले हैं माता पिता और बच्चे, यानी कि माता और पिता और बच्चों के रिश्ते के बारे में अज अही ध्यान करने वाले हैं। वचन में लिखा कि है बालको, प्रभु में अपने माता पिता दे आज्ञाकारी बनो। लिखा वा कि है बालको, प्रभु में अपने माता पिता दे आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये परमेश्वर ने आज्ञा सारे बच्चों नू दिती आ, क्योंकि वो अपने माता पिता दे आज्ञाकारी बन। और दूसरे में लिखा वा कि अपने माता और पिता का आदर कर, अंदा उदा आदर कर और उन्होंने सम्मान कर, ये पहली आज्ञा वा और परमेश्वर का ये वचन हैगा। भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल हटना गल कर दिया वा। परमेश्वर ने जेड़े सब तो वधिया जेड़ा गिफ्ट माता और पिता नू दिता वा, वो दिता वा उन्हां दा बच्चे, यानी कि परमेश्वर वालों गिफ्ट जेड़ा किसी नू मिलिया वा ओ वा बच्चे। बच्चे यानी कि परमेश्वर ने माता पिता नू एक वधिया जो सोहना जिहा जेड़ा गिफ्ट दिता वा, वो वा बच्चे। और बच्चे जो परमेश्वर दिंदा वा, उहदे नाल वो परमेश्वर जिम्मेदारी भी दिंदा वा, और अपने बच्चों नू सही तरीके दे नाल तुसी चलाओ, परमेश्वर दे वचन सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ और परमेश्वर दी मंडली विच आना भी उन्हां नू सिखाओ। इहदे नाल परमेश्वर दी महिमा हुंदी आ। पर परमेश्वर को अही प्रार्थना करने आ, बच्चे ते लै लैने आ, पर अज परमेश्वर आखण डिया वा कि मैं तुहानू सब तो वधिया जिहड़ा गिफ्ट दिता ही उह ही बच्चे। बच्चे लै के तू ही खुश हो गए जे, पर मैं उहदे नाल तुहानू एक जिम्मेदारी दिती ही कि अपने बच्चों नू सही रीति दे नाल परमेश्वर दी महिमा वास्ते उन्हां नू वधाओ। पर तू ही की किता, तू ही अपने बच्चों नू की सिखा लिया, तू ही अपने बच्चों दे नाल कितना रहण डे जे, तुहाडे बच्चे तुहानू वेख के की सीखण डे जे, की जिम्मेदारी परमेश्वर ने तुहानू दिती आ, ओ जिहड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने तुहानू दिती आ ओनू तो ही वफादारी दे नाल करन दे जे या नहीं करन दे जे। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हड़ नाल गल करन दिया वा। ओ भैन और भ्राओ, वचन में लिखा वा कि है बालको, प्रभु में अपने माता पिता दे आज्ञाकारी बनो। जो ये वचन नू अही पढ़ने आ और सुनने आ, तो साडा ख्याल जिहड़ा वा बच्चों के उत्ते चल जाता वगा कि ये जिहड़ा वचन जिहड़ा वा बच्चों वास्ते आ। तो कई लोग कह देंदे आ माता पिता हाए हाए अज बच्चों का वचन बोलिया जान दिया वा। वचन में लिखा वा कि बालको, प्रभु में अपने माता पिता दे अधीन रहो और उन्होंने आज्ञा मनो, उन्होंने सम्मान करो। वचन अज ये दस्या जान दिया वा, काश मेरा मुंडा इत्थे हुंदा, काश मेरी कुड़ी इत्थे हुंदी, यार मेरे बच्चे मैं ये वचन नू सुन लेंदे ते बड़ा वधिया होना ही। अज ये बच्चों वास्ते वचन सुनाया जान दिया वा। कई लोग इस तरह सोचते है ओ भैन और भ्राओ, पर वचन जिहड़ा वा बच्चों वास्ते आ, कोई गलत बल नहीं हैगी। पर इहदे विच लिखिया वा है बालको, प्रभु में अपने माता पिता के अधीन रहो, अंदर प्रभु दे विच अपने माता पिता दे आज्ञाकारी बनो, यानी कि प्रभु दे विच बच्चे
आज्ञाकारी बनन, परमेश्वर दी आज्ञा परमेश्वर ने दिती आ अपने माता पिता दे अधीन रहन वास्ते। ओ भैणो और भरावो, जिहदे किसे दे बच्चे बड़े ही अधीन रहिंदे आ माता पिता दे अधीन रहिंदे आ, जो बच्चे जो माता पिता जदों अपने बच्चों नूं कहिंदे आ, जदों बच्चे आग्या मानते आ, जो बच्चे उन चीज़ों का सम्मान करते आ, तो माता पिता नू सब तो ज़्यादा खुशी होंदी आ कि मेरे बच्चे मेरा कहना मानन डे हैगे, मेरे बच्चे मेरे आखे लगन डे हैगे। ओ भैणो भरावो, बहुत वधिया गल आ जे तुहाडे बच्चे तुहाडी आग्या मानते आ, तुहाडा कहना मानते आ, तो बहुत ही वधिया दी गल आ, परमेश्वर दी महिमा होए। पर कई बच्चे एहो जे भी होंदे हैगे कि कदी कदी माता पिता जदों उन्हां नूं कुछ कहिंदे आ तो उदों वो आखे नहीं लगदे, आग्या नहीं मानदे और ऊ पुठे सीधे सवाल जवाब करके अपने माता पिता नूं पिछे कर देंदे आ। पर जदों बच्चे आग्या नहीं मानदे उदों मां बाप जिहड़े आ बहुत ज़्यादा दुखी होंदे आ कि साढ़े बच्चे साढ़े आखे नहीं लगते। पर जिन्हां दे बच्चे आखे लगते आ, कहना मानते आ, आदर करते आ, वह माँ बाप बहुत ज़्यादा खुशी खुशी मनाते आ क्योंकि साढ़े बच्चे साड़ी आग्या मानते हैं। वो भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल गल करन दिया वा, ताडे बच्चे ताडे आखे लगते आ या नहीं, ताडे बच्चे ताडा कहना मानते आ या नहीं, ताडे बच्चे ताडा आदर करते आ कि नहीं। जे करते आ तो बहुत ही खुशी की गल हैगी, पर जे नहीं करते तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुहाडे नाल गल करन दिया वा। अही अपने माता पिता को, अही अपने बच्चे को तो अही चाहते हाँ कि साढ़े बच्चे साढ़े आज्ञाकारी रहन, साढ़े बच्चे साडा कहना मान, साढ़े बच्चे सानू सम्मान करन, साडी इज्जत करन। अही तो अपने बच्चों को चाहते हैंगे, पर कभी सोच के वेख्या कि जदों अही बच्चे हाँ तो साढ़े माँ प्यो प्यो दे अही आज्ञाकारी हाँ, अही अपने माता पिता की आग्ञा मानने हाँ। और कई लोग इस तरह सोचते हैं कि साढ़े बच्चे बस साढ़े आज्ञाकारी रहन, पर परमेश्वर आखन दिया वा तू ही अपने माता पिता की आज्ञाकारी ही, तू ही अपने माता पिता का सम्मान करते ही, तू ही अपने माता पिता की इज्जत करते ही कि नहीं। क्योंकि वचन में लिखा वा जो अही बोवांगे ओह फसल नूं अही कट्टांगे। जे अही अपने माता पिता की इज्जत ना करांगे, जे अही अपने माता पिता का कहना ना मानांगे, जे अपने माता पिता का कोई आदर ही ना करांगे, आदर सम्मान ना करांगे, तो कल नूं जदों साडे बच्चे होणगे ओह भी साडा कहना ना मानणगे, ना ही साडा सम्मान करनगे और ना ही साडी कोई गल मन्नणगे। ओ भैणो और भरावो, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वगा। जे ताडे बच्चे ताडे आखे नहीं लगते तो एक बार सोच के वेखो कि मैं भी अपने माता पिता के आखे नहीं ही लगता। ओ भैणो और भरावो, कई लोग सोचते है कि अही तो हुण उम्र ज़्यादा हो गई आ, साडे बच्चे हैगे, साडे बच्चों साडा कहना मानना चाहिए वागा। ओ भैणो और भरावो, जे ताडे भी माता पिता हजे तक जिंदा वा तो बहुत ही वधिया गल आ, तुहानू भी अपने माता पिता की आग्ञा मननी चाहिए आ। चाहे तुसी 40 साल दे क्यों नहीं हो गए फिर भी तुहानू तुहाडे माता पिता का आदर करना चाहिए, जे तुसी 50 साल दे जे फिर भी तुहानू तुहाडे माता पिता का आदर करना चाहिए वा, जे तुसी 60 साल दे जे फिर भी तुहानू परमेश्वर दे हुक्म आ कि अपने माता पिता का आदर करो, जे तुसी 70 या 80 साल दे जे फिर भी तुहाडे माँ बाप जिंदा वा तो तुहानू चाहिए वा अपने माता पिता का सम्मान करना। ओ भैण और भराओ, जे अही अपने माता पिता का सम्मान करांगे तो सानू वेख के साडे बच्चे सीखणगे और साडे बच्चे सीख के साडा भी सम्मान करनगे। ओ भैण और भराओ, जे अही अपने माता पिता नू दुख देवांगे जां उहनां दा कहना ना मन्नांगे जां उहनां दी आग्ञा ना मन्नांगे किते फिर साडे बच्चे भी अगे अगे हड को इहो ही सीखणगे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर आखण डिया वा कि मैं तुहानू बच्चे दिते और तुहानू बच्चे दे के तुहानू एक जिम्मेदारी दिती कि तुसी ये बच्चियां ना दा पालन पोषण करो और परमेश्वर दे वचन नू सिखाओ। ओ भैणो और भराओ, अज हर एक माँ बाप नू चाहिए वा अपने घर विच बह के फैमिली प्रेयर करे, पति नू दोवां नू मिल के फैमिली प्रेयर करनी चाहिए हैगी अपने बच्चियां नू नाल लैके। पर कईआं दे घर विच फैमिली प्रेयर नहीं हुंदी,
और ना ही अपने बच्चों नू फैमिली प्रेयर विच बिठाउंदे आ, ना अपने बच्चों नू प्रार्थना करना सिखाउंदे आ, ना ही अपने बच्चों नू बाइबल पढ़ना सिखाउंदे आ, ना ही अपने बच्चों नू किसी दा आदर करना सिखाउंदे आ, ना ही अपने बच्चों नू चर्च विच टाइम दे नाल ही जाना वा ये भी नहीं सिखाते। ओ भैन और भाओ, जे अही फैमिली प्रेयर ना करांगे तुहाडे बच्चे भी इहो सिखणगे, उन्होंने भी फैमिली प्रेयर नहीं करनी। जे अही प्रार्थना ना करांगे तुहाडे बच्चे भी इहो सिखणगे, उन्होंने भी फैमिली प्रेयर नहीं करनी। जे अही बाइबल ना पढ़ांगे तुहाडे बच्चे भी इहो सिखणगे, उन्होंने भी बाइबल नहीं पढ़नी। जे अही प्रार्थना ना करांगे तुहाडे बच्चों ने भी इहो सिखणा वा, उन्होंने भी बाइबल नहीं पढ़नी। जे अही टाइम दे नाल चर्च ना जावांगे ते हाडे बच्चे भी सानू वेख के इहो ही सिखणगे, अही भी ओह बच्चे भी टाइम दे नाल कदी चर्च ना पहुंचणगे। ओ भैण और भरावो, अज परमेश्वर साडे नाल गल करन डिया वा, इस वचन दे द्वारा साडे नाल गल करन डिया वा। अही अपने बच्चों नू की सिखाण डे आ, हाडे बच्चे हाडे को की सीखण डे आ। परमेश्वर ने सानू एक जिम्मेदारी दिती आ, एक बच्चे दिते आ, माता पिता दिते हैगे, अही उन्हां दा आदर करन डे आ, सिखाउण डे आ या नहीं। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। तीसरी आयत विच लिखिया वा कि तेरा भला होएगा और तू धरती तक धरती दे विच बहुत दिन तक जीवित रहेगा। जे अही चाहुंदे आ कि साडा भला होए, साडे काम काज विच भला होए, साडे जानां विच साडा भला होए, सारियां चीज़ां विच भला होए और साडी उम्र होर भी वधदी जाए, तो परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा अपने माता पिता दा आदर कर, सम्मान कर और उहदी आज्ञा नूं मन। जे ही अपने माता पिता दा आदर सम्मान करांगे तो परमेश्वर दे वचन विच लिखिया कि तेरा भला होएगा, जिहड़ा भी कम करेगा आशीष पाएगा, जिथे तू रहेगा उत्थे ही आशीष पाएगा, जे कुछ भी करेगा उहदे विच आशीष पाएगा और तेरी लंबी उम्र होएगी। ओ भैण और भाओ, अज परमेश्वर का वादा वा कि वह तेरी लंबी उम्र करेगा, परमेश्वर का वादा वा और तेनू आशीषित बनाऊगा, पर करना की आ अपने माता और पिता का आदर करना वागा। ओ भैन और भ्राओ, इस वचन नू सुन के ये नहीं समझ लेना कि यह बच्चों वास्ते आ, पर जिन्हां दे माँ बाप हजे भी जिंदा वागा, जिन्हां दे माँ बाप हजे भी आ, उन्हां वास्ते भी ये वचन आ कि अही अपने माँ प्यो नू किस तरह वेखण डे हैगे। ओ भैन और भ्राओ, कदी कदी माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, अही उन्हां तो पिछा छुड़ाउणा चाहुंदे आ, कदी उधर सुट दिंदे आ, कदी उधर सुट दिंदे हैगे। ओ भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर आखण डिया वा जे तुहाडे जीवन दे विच तुसीं भी अपने बूढ़े माँ प्यो नू छड्ड दित्ता वा, तो भैन और भ्राओ इस वचन दे नाल परमेश्वर साडे नाल गल करन डिया वा। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया कि है बालको अपने माता पिता दा आदर करो, है बालको अपने माता पिता दा सम्मान करो, है बालको अपने माता पिता दा कहना मानो। ओ भैन और भ्राओ, वचन विच लिखिया वा परमेश्वर दा वादा वा कि तू आशीषित बनेगा और तेरी लंबी उम्र होएगी जे तू अपने माता पिता दा आदर और सम्मान करेगा। ओ भैन और भ्राओ, अज परमेश्वर सानू सारे नू आशीष देना चाहुंदा वा, बस इको एक शर्त आ, अही अपने माता पिता दा आदर करिए। ओ भैन और भ्राओ, चौथे वचन विच लिखिया वा कि बच्चे वालों अपने बच्चे नू गुस्सा ना दिलाओ। कदी कदी सोचते हैं माता पिता कि अही अपने बच्चों नू गुस्सा नहीं दिलाते, पर कदी कदी माता पिता सोचते आ मैं इहदा प्यो वा, मैं इहदी माँ वा, मैं जो कहूँगा वह ही इनू करना चाहिए वा, जबरदस्ती यह कभी कभी अपने बच्चों वो कम करने वास्ते कहने जिहड़ा कि माता और पिता नू चंगा लगता वा, पर कभी सोचते नहीं हाँ कि यह कम करन दे नाल सही आ या नहीं हैगा, पर जे अही जबरदस्ती अपने बच्चों को वो कम करावे तो भैन और भ्राओ जबरदस्ती दे नाल जे अपने बच्चों को कम करावे कोई भी चीज़ का तो उन्होंने बिगड़ जाना वा, उन्होंने गुस्से में आ जाना वा, उन्होंने माता पिता तो दूर हो जाना वा, उन्होंने प्रार्थना तो दूर हो जाना वागा। ओ भैन और भ्राओ, वचन में लिखा कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, उन्होंने नाल परमेश्वर का प्यार वंडो और उन्होंने प्यार दे नाल संभालो और प्यार दे नाल उन्होंने पालन पोषण करो, परमेश्वर की चेतावनी दे नाल परमेश्वर के वचन नू लैके अपने बच्चों नू सिखाओ। ओ भैन और भ्राओ, वचन में लिखा वा कि अपने बच्चों नू गुस्से दे नाल नहीं प्यार दे नाल समझाओ।
ओ भैन और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल गल कर दिया वा, अही अपने बच्चों की सिखालन डे हाँ, साढ़े बच्चे साढ़े को की सीखते है। जे अं माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं झगड़ते हाँ, तो साढ़े बच्चे साढ़े को की सीखे। जे अं जबरदस्ती करके कोई काम कराने तो साढ़े बच्चे साढ़े को की सीखे। ओ भैन और भाओ, परमेश्वर के वचन में लिखा वा कि उन्हों का पालन पोषण कर, परमेश्वर के वचन सुना के, परमेश्वर की आज्ञा जो वा वचन में जो लिखा वा वो दस के उन्हों का पालन पोषण कर। तो हमेशा बचपन तो ही परमेश्वर के वचन जो उन्होंने सिखावे तो बुढ़ापे तक उन्हों याद रखूगा। ओ भैन और भाओ, साढ़े बच्चों के जीवन के आशीष इसलिए नहीं आ क्योंकि अही अपने माता पिता की आज्ञाकारी नहीं है, साढ़े बच्चों के जीवन के आशीष इसलिए नहीं आ क्योंकि अही परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, साढ़े बच्चों के जीवन के आशीष क्यों नहीं आ क्योंकि अही फैमिली प्रेयर नहीं करते, साढ़े बच्चों के जीवन के आशीष क्यों नहीं आ क्योंकि अही बाइबल नहीं पढ़ते। ओ भैन और भाओ, जे अही कुछ ना करांगे तो साढ़े बच्चे साढ़े को की सीखणगे। अही कदी कदी जिद कर रहे हैं, जा तू चर्च चल जा, जा तू चर्च चल जा, जा तू दुआ ते चल जा, जा तू उन्हां दे घर बंदगी चल जा, पर खुद घरे रहने काम करते रहने। ओ भैन और भाओ, जबरदस्ती करने है बच्चे ने की कहना वा, पहले तू तो तैयार हो जा उहदे बाद मैनू तैयार करी। ओ भैन और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल गल कर दिया वा, साडा जीवन किस तरह का वा, अही अपने बच्चों को अपना आदर सम्मान चाहते हैं, पर कभी सोच के वेख्या कि अही अपने माता पिता का आदर सम्मान करने हैं। जिन्हां दे बच्चे जिन्हां दे आखे लगते आ वो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि साढ़े माँ बाप साढ़े बच्चे जिहड़े आ साढ़े आज्ञाकारी है, पर जिन्हां दे बच्चे उन्हां दे आखे नहीं लगते वो माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे आ कि साढ़े बच्चे साढ़े आखे नहीं लगते। ओ भैन और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन डिया वा, अही अपने बच्चों नूं की सिखालन डे हाँ, साडे बच्चे साडे को की सीखण डे हैगे। साडे बच्चों के सामने अही घर बह के कभी फैमिली प्रेयर नहीं करते, फैमिली प्रेयर वास्ते साडे को टाइम ही नहीं कढ़दे। तो भैन और भाओ, आउण वाले दिनों में साडे बच्चे किस तरह के बनणगे, किस तरह के तैयार होणगे, एक बार सोच के वेखो। ओ भैन और भाओ, ये वचन जिहड़ा वा है, बालको अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, सम्मान करो, क्या वगा ये बच्चों नहीं कहा गया, उन्हां वास्ती ये वचन आ जिन्हां दे हजे भी माता पिता वागे। ओ भैन और भाओ, वचन सारे वास्ती आ क्योंकि हर एक माता पिता के जिहड़े बच्चे आ उन्हां वास्ती बच्चे ही हैगे, भाएं उम्र जिन्नी वड्डी क्यों ना हो जाए, पर अपने बच्चे उन्होंने माता पिता वास्ती वो हजे भी बच्चे है। वो भैन और भाओ, एक बार सोच के वेखो कि अं कहोजा बूटा लाया वा, अं की बोन डे है, और जो बोवे वह फसल में अं कटांगे। जे अं अपने माता पिता का आदर करांगे तो कल साडे बच्चे भी साडा आदर करे, जे अं अपने माता पिता का आदर ही ना करांगे तो साडे बच्चे भी कल साडा आदर नहीं करे। वो भैन और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल गल कर दिया वा, जे परमेश्वर तुहाडे नाल वचन के नाल गल करता वा तो अपने गोडियां ते बहो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मैनू माफ़ कर दे, मैनू तो ही बच्चे दिते पर मैं बच्चों के नाल बह के फैमिली प्रेयर नहीं की, ना ही उन्होंने बाइबल पढ़ना सिखाया, ना उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया, ना उन्होंने फैमिली प्रेयर के ना उन्होंने चर्च में जाना सिखाया टाइम के नाल, परमेश्वर मैनू माफ़ कर दे, मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी ना बनया इस करके मेरे बच्चे भी मेरे आखे नहीं लगन डे, परमेश्वर मैनू माफ़ कर दे, मैं अज तो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनूंगा, बाद विच मेरे बच्चे भी मेरा आज्ञाकारी बनगे मैनू वेख के। जे तुसीं प्रार्थना करोगे तो तुहाडे जीवन के परमेश्वर बहुत सारी आशीष नूं भरूगा, जे तुसीं अपने माता पिता का आदर करोगे तुहाडे बच्चे भी तुहाडा आदर करनगे, जे तुसीं फैमिली प्रेयर करोगे तो बच्चे भी तुहाडे फैमिली प्रेयर करनगे, जे तुसीं वचन पढ़ोगे अपने बच्चों के सामने तुहाडे बच्चे भी कल नूं वचन पढ़नगे, जे तुसीं अपने बच्चों के सामने प्रार्थना करोगे तो तुहाडे बच्चे भी कल नूं प्रार्थना करनगे, जे अहीं परमेश्वर के घर में टाइम के नाल जावांगे तो साडे बच्चे भी कल नूं टाइम के नाल पहुँचणगे, जे अहीं परमेश्वर के घर के विच कोई सेवा करांगे तो साडे बच्चे भी साडे तो पहलों जाके सेवा करनगे, जे अहीं आशीष पावांगे परमेश्वर को तो साडे बच्चे भी साडे नूं भी ज़्यादा आशीष पाओगे। ओ भैन और भाओ, की चाहते जी, साडे बच्चे आशीष पाउण या शराब पाउण?
सब कुछ ताडे हाथ विच वी आ। परमेश्वर ने आख्या वा मैं ते तानू प्यार किता और बच्चे दिते और बच्चों की जिम्मेदारी दी कि तुही उन्हां दा पालन पोषण करो, वचन नू सुना के, वचन दे बारे विच दस के, प्रार्थना विच बिठा के, फैमिली प्रेयर विच बिठा के। पर तुही की किता? अज परमेश्वर इस वचन दे नाल अन्ना गल करन दिया वा। परमेश्वर तुहानू इस वचन दे नाल बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर तुहानू अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना सिखाए। परमेश्वर तुहानू बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।